लक्ष्मण के इस मुकुट में था एक बड़ा जुगाड़। सुनील लहरी जी ने खोला पूरा का पूरा राज। जी हाँ, सुनील लहरी जी ट्विटर पर वीडियो के जरिए लगातार रामायण के बिहाइंड द सीन से जुड़े नए नए और बेहद इंटरेस्टिंग किस्से लगातार शेयर कर रहे हैं। और अब शो के लास्ट एपिसोड से जुड़ा एक ऐसा फनी किस्सा उन्होंने शेयर किया है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। वही दरअसल शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे लक्ष्मण ने अपनी माताओं को राम भैया के राज्याभिषेक की जानकारी दी, लेकिन इस सीन से जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा सुनील जी को याद आ गया और वो किस्सा जुड़ा है उनके इस मुकुट से। जी हाँ, ये जो मुकुट लक्ष्मण ने पहन रखा है, इस मुकुट में था एक बड़ा ही तगड़ा जुगाड़। तो अब आगे हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद सुनील जी की जुबानी इस किस्से को सुन लीजिए। जब लक्ष्मण जी को पता लगता है कि राम जी का अभिषेक होने वाला है तो वो एक्साइटेड होके भाभी के पास जाते हैं ये खबर बताने के लिए। तो उस सीन में जो मेरा मुकुट था उसके पीछे जो राउंड था वो पत्ते की तरह हिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, डायलॉग ठीक से नहीं हो पा रहे थे और वो बीच में अजीब सी नॉइज कर रहा था। तो एनीवे समहाउ पैकिंग लगा के कुछ करके वो सीन तो कंप्लीट किया, और आपने नोटिस किया होगा कि उसमें भी वो हिल रहा है। उसके बाद का जो सीन था माताओं के पास जाने वाला, उसमें और इस सीन के बीच में 2 दिन का फर्क था, क्योंकि मुकुट मुंबई से आना था, मुंबई से आया तब जाके वो सीन। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा मंत्रा के गुस्से वाले सीन को लेकर भी सुनील जी ने एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताया और ये बताया कि जब मंत्रा बनी ललिता पवार अपनी लाठी से दिए बुझाती हैं तो उस सीन को करते वक्त उनके पैर चल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सीन को पूरा किया। ललिता पवार जी के साथ का था मंत्रा जो बनी है सीरियल में, क्या एक्ट्रेस है, क्या डेडिकेशन है उनका, आई मीन लाइक इट्स जस्ट कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हुआ यूं कि जब वो उन्हें पता लगा कि राम जी का अभिषेक हो रहा है तो वो नहीं खुश हुई और चाहती थी कि भरत का अभिषेक हो, तो इसलिए वो जब अयोध्या में सेलिब्रेशन हो रहा था तो वो गुस्से में आके जाती हैं और सब तहस नहस करने लगती हैं और डंडे मारने लगती हैं और दिए हुए जो जले हुए थे उनको बुझाने लगती हैं, और वो पाँव से बुझाने के चक्कर में उनके पाँव में मतलब है कि गर्म गर्म तेल की वजह से या दियों की लौ की वजह से जल गए और जल के इतने बड़े बड़े फकोले पड़ गए उसमें। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने पूरा सीन कंप्लीट किया, प्रोड्यूसर को किसी तरह से ट्रबल में नहीं डाला। वेल, रामायण के ये बिहाइंड द सीन वाले किस्से सुनकर हमें तो काफी मजा आ रहा है और अब ऐसे में हमें सुनील जी के अगले वीडियो का इंतजार रहेगा कि आगे अगले वीडियो में वो कौन से नए किस्सों की जानकारी देते हैं। आप भी बताइए कि रामायण के बिहाइंड द सीन्स के किस्से जानने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।